जय श्री राम। तो श्री राम वनवास यात्रा के एक और नए अध्याय में आपका स्वागत है। अभी हमें सुल्तानपुर में, और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पिछले वीडियो में कि हम दो दिन से सुल्तानपुर में ही हैं, लेकिन कुछ भी आपको एक्सप्लोर नहीं करवा पाए थे। जो श्री राम जी का यहाँ पे जो भी कथा या कहानी है वो आपको हम नहीं दिखा पाए थे, लेकिन आज हम आपको सारे जगहों पर ले जाएंगे। फिलहाल अभी हमें पारिजात वृक्ष के पास, जो कि इस दुनिया में चार ही जगहों पर है और उसमें से एक सुल्तानपुर में है, तो अभी आप आगे वो देखेंगे। पारिजात वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और कुंती इसके फूलों से शिव जी का अभिषेक करती थी। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण अपनी प्यारी रानी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को लाए थे, और बहुत शोध करने के बाद पता चला कि ना इसके डालियों से इसे उगाया जा सकता है और ना ये वृक्ष कोई भी बीज देती है। और इस वृक्ष में सफ़ेद रंग का फूल होता है जो कि सूखने के बाद सोने के रंग के जैसा हो जाता है। लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं और इस वृक्ष के 5 से 7 चक्कर लगाते हैं और धागा बांधते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे धागा बांध के मन्नत मांगने से मनोकामना पूरी होती है। जय श्री राम। तो अभी आपने पवित्र पारिजात वृक्ष की दर्शन तो कर ली, अभी हम जा रहे हैं सीताकुंड और आपको दिखाते हैं सीताकुंड और वहाँ का हिस्ट्री भी बताते हैं। तो यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर ठीक। तो यहाँ से तक पारिजात वृक्ष के पास से 1 किलोमीटर है सीताकुंड। तो चलते हैं वहाँ पे और आपको दर्शन करवाते हैं। ये सामने में आप देख रहे हैं पवित्र गोमती नदी, जहाँ मान्यता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता ने स्नान किया था और पूजन किया था। जय श्री राम। तो अभी हम आ चुके हैं सीता कुंड में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोमती नदी है और यहीं पे उन्होंने स्नान भी किया था जब वो यहाँ आई थी। और पीछे सारे मंदिरें हैं, वहाँ पे राम जी का चरण पादुका भी रखा हुआ है, तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो मैप बना हुआ है जहाँ जहाँ श्री राम गए थे पूरा, जो हमने वहाँ पर भी आपको दिखाया था। ये वो मैप है, इसमें सारे नक्शे दिए हुए हैं कहाँ कहाँ वो गए थे। ये जो ये वाला पार्ट है, इसी वाले पार्ट में पूरा वो गए थे वनवास यात्रा के दौरान। तो आप अभी देख रहे हैं ये वही मंदिर है, यहीं पे श्री राम जी और माता सीता यहीं पे रुके थे। ये उनका चरण पादुका है, आप पीछे में देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना एक पत्थर रखा हुआ था जो कि राम सेतु से लाया गया था, लेकिन वो पत्थर अभी चाची जी बता रही हैं कि वो मेंटेनेंस में गया है ना। अच्छा, तो वो जिस बक्से में वो कवर किया हुआ था ना, वो बक्सा टूट गया, उसका कांच टूट गया है, तो वो बक्सा बनने के लिए गया, इस वजह से वो पत्थर यहाँ पे नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। यहाँ पे राम सेतु से लाया हुआ एक पत्थर रखा हुआ था। वनवास यात्रा के वक्त जो जहाँ जहाँ गए थे उस चीज के ऊपर जो शोध हो रहा है, तो शोध होने के दौरान वो जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ उनकी एक चरण पादुका बना दी जा रही है ताकि लोग समझ सके कि वो यहाँ पे आए थे। तो मैंने आपको अभी वही चरण पादुका दिखाया। और यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर है जो आप सामने में देख पा रहे हैं, बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है। तो अब आप जान चुके हैं यहाँ का सारा इतिहास सुल्तानपुर का, और आपको थोड़ा बहुत और अभी हम सुल्तानपुर दिखाते हैं और भैया जी बताएंगे थोड़ा थोड़ा सुल्तानपुर के बारे में, तो वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम आए थे पर्यावरण पार्क देखने के लिए, लेकिन किस्मत से जो है ना वो पार्क ही बंद है, उसका टाइम है 3 बजे खुलने का, तो वो तो अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो फाइनली टी ब्रेक का टाइम आ गया है, तो हम चाय पीने के लिए आए हैं वृंदावन गेस्ट हाउस में। चलते हैं चाय पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे पूरा घुमाते हैं। थोड़ा सा अभी जो है ना हम आराम मोड में, रिलैक्स मोड में, कल से फिर हम भागना स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो
अभी मस्त वाले कैफे में चाय पीने के बाद जस्ट वहां से निकले, फिर हम आ गए एक और जगह चौपाटी। यार खाए जा रहे हैं, सुबह सुबह नाश्ता भी हमने, मतलब सुबह सुबह हमने खाना भी खा लिया था, फिर भी हम फिर से आ गए। यार पेट में जगह नहीं है, फिर भी ले आए भैया अंकुश भैया हमारे, जिनके पास हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये सामने में चौपाटी, चलते हैं इसके अंदर। अभी हम आ गए हैं सूरजदिनी मंदिर, यानी कि ये राम और सीता जी का भी मंदिर है और यहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित है। तो ये हमारे भैया जी का ही है घर, और आपके दादाजी ने बनवाया था, दादाजी के जब परदादा जी बनाए थे। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे दादाजी। अच्छा, तो ये हमारे अंकुश भैया जी के फ्रेंड हैं, इनका भी नाम आकाश है। तो ये पूरा इनका घर ही है यहाँ पे। और बहुत कितने साल पुराना बिल्डिंग है? लगभग 100 के आसपास। 100 साल पुराना है और इसी में रहते हैं। क्या माहौल मिलता होगा इनको, समझ लो क्या वाइब आता होगा इनको यहाँ पे। मतलब कि जैसे पहले जमाने में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती थी। हाँ। प्राण प्रतिष्ठित होकर कितना मूर्ति लगी है यहाँ पे। ये शिव जी का मंदिर है। अच्छा, ये सारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठित, वो मंत्र वंत्र ये करके सब लगा हुआ है। और इसमें क्या था यहाँ पे? इसमें जो है सिक्के लगे हुए थे चांदी के, पहले जो ये थे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे हटा हुआ है, इसमें चांदी के सिक्के लगे हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन सबको हटा दिया गया है, क्योंकि लोग आते हैं खुरेद ना दे, इस वजह से उसको हटा दिया गया है। और बीच में कौन सा मंदिर है? इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें राम सीता और लक्ष्मण जी हैं, और इस वाले में जो है वो राधा और कृष्ण जी का मूर्ति लगा हुआ है। और अभी आपने जितने भी मूर्तियां देखी, सारे में सब अष्ट धातु की मूर्तियां हैं। जो जितने रहीस लोग होते थे या जितने बड़े लोग होते थे, और मतलब जैसे आज के समय में है कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो ऐसे जब पहले होता था तो जो जात, मतलब समझ लीजिए कि रहीस लोग होते थे, तो उनके घर पे शेर की मूर्ति लगती थी। अच्छा। और जो उनसे कम होते थे तो मोर की लगती थी, और उनसे कम ऐसे मतलब जो जैसे जो जानवर होते थे वो डिसाइड करते थे कि आप किस क्लास के। घर के ऊपर बने रहते थे। तो जैसे मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाया था कि लोग मोती की माला पहनते हैं, जिनके पास इतना ज्यादा माला होता है वो उतने बड़े लोग होते हैं, तो यहाँ पे वही सिस्टम है। यहाँ पे जिनके घर पे शेर लगा हुआ है वो अपर क्लास हो गए, मोर लगा हुआ वो बीच वाले हो गए, और ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सही कॉन्सेप्ट है।